वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वाला होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर इसका सोल्यूशन देख लो अभी, और कहाँ पे गलत हो गया वो भी देख लो, ठीक है? तो मैंने प्लेलिस्ट कुछ थोड़ा चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो अगर प्लेलिस्ट में। तो उधर ये सॉल्व भी करता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अभी चालू है ये वीडियो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है? तो वो एक प्लेलिस्ट डिफरेंट बना ली मैंने, और एक लैपलास ट्रांसफर करके जो कि सेकंड चैप्टर है अपना, तो उसकी भी वीडियोस डालना चालू कर दिया इसके साथ में मैंने, ठीक है? तो उसको भी देखना और इसको भी देखना। नहीं, पहले तो ये वीडियोस, ये वाला लेसन खत्म कर लेना, उसके बाद में वो वीडियोस देखना। तो उससे आपको, क्योंकि इसका ना थोड़ा थोड़ी फॉर्मूलीज उधर भी यूज करते हैं अपन, तो उससे आपको जरा आसानी जाएंगी समझने में, ठीक है? तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है इस क्वेश्चन में। तो इट्स रूट्स आर d is equal to 3, 1 और माइनस 2, ठीक है? इट्स CF। तो CF की प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो चुकी होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी आपको CF नहीं आता होगा तो आपको ध्यान लगा के करना पड़ेगा, ठीक है? सब वीडियोस पे आप ध्यान लगा के देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, मेन मतलब ये कितना भी ध्यान देके देखोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? तो PI का फॉर्मूला अपने को पता है, ये CF हो गया अपने, इतना सब CF, ठीक है? अब CF का फॉर्मूला पता है अपने को, एफ ऑफ डी इंटू एक्स। तो एफ ऑफ डी की जगह पे d³ माइनस 7d माइनस 6 इंटू ई रेस टू 2x और ये 1 प्लस एक्स। अभी अपन केस 5 में थे, केस 5 में क्या बोलते थे, ये ई रेस टू एक्स है, इसको इधर लेना है, बराबर? तो इधर लेते हो, क्या डालते हैं, d के साथ इसका d प्लस a। तो किसी ने अगर ये किया होगा कि इस ई रेस टू एक्स को इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो वो भी करेक्ट होता था, बट थोड़ा गलत हो गया होगा उसका, ठीक है? तो इधर अगर सीधा सीधा अपने को मिल रहा है ई रेस टू एक्स, तो उसमें मल्टीप्लाई करने का काम ही नहीं ना ब्रैकेट से, ठीक है? वो ब्रैकेट को वैसे रहने देने का, ई रेस टू एक्स को 2x को इधर लेके आने का, और अपने को फॉर्मूला पता है अगर ई रेस टू एक्स इधर आ रहा होगा तो केस 5 के अनुसार, बापरे हिंदी बोल रहा मैं, थोड़ा ज्यादा ही हिंदी यूज कर रहा, तो केस 5 क्या बोलते हैं, ई रेस टू एक्स अगर इधर आया तो अपने को d इज इक्वल टू d प्लस a डालना पड़ता है, ये मतलब क्या, x के साथ में टर्म। तो d इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा अभी, d प्लस ये 2 के साथ क्या, x के साथ क्या है 2, तो 2 डालना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी इसको डालते हैं माइनस 7d प्लस 2 माइनस 6, ठीक है? ये डाल लिया अपन ने, अब इसको सॉल्व करना, ये ब्रैकेट जैसे का वैसे रख देते हैं, अभी के लिए उसको कुछ भी करना नहीं। अब अपने को अभी d a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया है, ठीक है? तो इस साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा मैं, ये ई रेस टू एक्स, रुको गलत हो गया वो, ई रेस टू 2x इंटू ये 1 जैसे का वैसा। अब इसका होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ठीक है? तो इसका क्या होगा, डी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। तो अपने को फॉर्मूला पता है डी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू डी 6d प्लस क्या आता है, सॉरी ये तो स्क्वायर वाला हो गया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है अपने को पता है, रुको इधर लिख ही लेता मैं, नहीं तो कंफ्यूज होता है, ठीक है? ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 इंटू क्या, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है? दिख रहा होगा आपको थोड़ा, हाँ अभी दिख गया होगा। तो अभी इसको लिखते हैं, तो 3 लिख लिया, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब d का स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, ये माइनस सॉरी ये प्लस 3 इंटू ए मतलब 3d और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या था 4, 4 इंटू 3 4 3 का 12 ad प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब 8 माइनस ये 7 एंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7d माइनस ये माइनस 7 इंटू 2 7 टू 14 ये माइनस 6 जैसे का वैसा, ठीक है? ये बराबर है ना इतना, अपना चेक कर लो एक बार, यहाँ पे 3 इंटू ए मतलब 3d इंटू बी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 3 का 12 बराबर 12d है। तो ये रीचेकिंग भी कर लेना कभी कभी आप, मीन्स मैं भी कभी कभी घाई गड़बड़ी में गलत कर देता हूँ, ठीक है? तो रीचेकिंग एक बार करते रहने का। तो ई रेस टू 2x जैसे का वैसा अपॉन इसमें जो भी लाइक टर्म्स है उसको साथ में ले लो, और जो भी अनलाइक टर्म्स है उसको जैसे का वैसा रहने दो। अब d स्क्वायर तो कुछ किसी के पास भी नहीं, तो 3d स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस d है इसमें, तो d दिख रहा है अपने को, ठीक है? तो अपने को कुछ भी करना नहीं, इसमें डालना है डायरेक्ट एलसी में प्लस 12 ऑन हो जा, प्लस 12 माइनस 7 क्या जाएगा 5,
5, तो 5OD आ जाएगा, प्लस अभी प्लस नहीं डाल सकती है, प्लस 8 है या फिर 14 है और यहाँ पे 16 है, सॉरी 6 है, तो 8 माइनस 14 माइनस 6 तो माइनस 12 आ जाता, ओके तो ये माइनस 12 आ गया इधर, 1 प्लस एक्स। आपको इतना ही समझाना था कि ये मल्टीप्लाई नहीं करना, इस क्वेश्चन में इतना ही समझना था, ठीक है, बाकी का सॉल्व कर लो, बाकी का आपको भी आता होगा, अभी तक आ ही चुका होगा अगर प्रैक्टिस में हो तो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इतना तो मतलब ये अपनी केस 5 हो गई, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया अपने को। अभी अपने क्या बोला था, जब भी केस 5 सॉल्व होती है एक, वो कौन सी भी केस में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो वो केस 5 तो सॉल्व हो गई, अब कौन से तो भी केस में ये हो गया, इतना ही लिखना था ना अपने को, तो अभी ये कौन से तो भी केस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अपने देखो, अगर याद होगा आपको तो ऐसे क्वेश्चन अपने को एक वीडियो में आए थे, एक वीडियो में ऐसा ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने लिए थे, तो जब भी बीच में प्लस हो और ये इंटू में रहता पूरा, तो इसको अलग अलग कर लेना पड़ता अपने को, ठीक है। तो कैसे लिखते थे अपन, ई रेस टू 2x इंटू ये 1/dq प्लस 6d² प्लस 5od माइनस 12 इंटू क्या आ जाएगा 1, और प्लस ये प्लस आता है, ई रेस टू 2x इंटू 1/dq प्लस 6d² प्लस 5od माइनस 12 इंटू x। अब x आ गया, x आ गया मतलब कौन सा ये आ गया इसमें, अभी केस नंबर 4 बराबर है ना, केस नंबर 4 में अपन सीखे थे जब भी x के साथ कुछ रहा तो वो केस नंबर 4 में आती है, तो उसका बहुत बड़ा पुट रहता था, तो उसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो ई रेस टू 2x जैसे का वैसा, अब 1 है मतलब कौन सा है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म के वक्त क्या डालते थे, d इज इक्वल टू 0, अपने ये केस 1 है, याद है केस 1, ये केस 4 है, ठीक है, तो इसको अभी डालते हैं इसमें, तो 1 डाल d डाल दिया, d इज इक्वल टू 0 डाल देते, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, लास्ट में क्या रहेगा माइनस 12, तो ये माइनस 12 जैसे का वैसा इंटू 1, मतलब ये टर्म तो पूरी एलिमिनेट हो गई, मतलब पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, मतलब ये माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 12 आ गया, ठीक है। अब प्लस इधर कहीं सॉल्व करूंगा ये, अब मैं कंटिन्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि, बट पेपर में ये पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है, तो पेपर में एक एक लिखते रहने का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने को पता है x रेस टू 1 है, मतलब कौन सा तो पावर में, तो 1 ही है, तो अपने को क्या करना पड़ता था, e रेस टू 2x, अब यहां से सॉरी ये हल गया, अब इसमें से लास्ट टर्म कॉमन निकालनी अपने को, तो लास्ट टर्म मतलब माइनस 12, तो माइनस 12 बाहर निकल लिया तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1, ये क्या है प्लस, तो प्लस 5d में से माइनस 12 निकलना है, मतलब 5d में से माइनस 12 निकल गया, अब ये प्लस 6d² में से 6d² में से माइनस 12 निकालना है, ठीक है, प्लस 3 क्यूब में से माइनस 12 निकालना है, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने किए थे, जान दो ये भी लिख ही लेता, अभी क्या करना है, ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस भी हो जाती लिखने की, ओके। तो अभी ये देखो, ये माइनस 12 अपन बाहर निकाल लेते कॉन्स्टेंट में, तो 2x के साथ क्या आ जाएगा माइनस 12, ओके। यहाँ पे क्या रहेंगे जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, ये अब प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस 12 था ना, तो माइनस 5d अपॉन 12, ये माइनस ऊपर आ जाएगा माइनस 6d, अब 6 वन जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, d² अपॉन 6 2 जा 12, तो 2 प्लस ये d³ अपॉन ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस 12 है ना, इंटू एक्स रेस टू 1, तो इतना हो गया, इतना ये माइनस है, क्योंकि माइनस कहाँ से है, ये 12 का अपन ने लास्ट में देखो कहाँ पे गया, ये देखो यहाँ पे माइनस 12 निकाला था लास्ट में, तो सबका माइनस 12 नीचे लग गया, तो सबकी साइंस माइनस माइनस हो गई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अभी। अभी नेक्स्ट पेज पे लेता जरा जगह का मैं उधर, ठीक है, तो अपना क्या था, इधर इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 12 प्लस ई रेस टू 2x अपॉन माइनस 12, अब ये देखो जूम हो जा, हाँ, तो ये 12 ये माइनस है ना, तो ये माइनस अपन ऊपर भी लिख सकते, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले प्लस था, बट यहाँ पे अपन को माइनस 12 नीचे कॉमन मिल गया था, तो माइनस 12 का माइनस ऊपर दे दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 अपॉन क्या रहेगा इधर, 1 माइनस 5d अपॉन 12 माइनस d² अपॉन 2 माइनस d³ अपॉन 12, ठीक है, ये 1 है एंड x रेस टू 1, इतना अपने पास बचा था। अब इस x को ब्रैकेट को ऊपर लेके जाना है अपने को, 2x अपॉन 12 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 12, ये ब्रैकेट को ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5d अपॉन 12 माइनस d² 2, ये पूरा लिख लेते, ठीक है, ये 1 था यहाँ पे, तो ऊपर जाके माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपने को अभी बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। तो ये क्वेश्चन अपने पहले भी हो चुके हैं केस नंबर 4 में, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो वापस से वो केस 4 भी देख सकते या फिर इधर भी ध्यान दे के देख सकते, ठीक है। तो माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 12 माइनस, अब इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है अपने को, बट उसके पहले क्या देखना पड़ता है अपने को, देखो बाइनोमियल थ्योरम में बस दो ही बाइनोमियल थ्योरम ही वैसा था ना,
मतलब जब दो टर्म रहे और उसमें अगर इन्वर्स रहा तो उसका फॉर्मूला ही अपने पास, बाकी क्या अगर दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, तो यहाँ पे चार है तो अपने को पता ही नहीं ना उसका फॉर्मूला क्या लिखना है। ठीक है, तो क्या बोला था आपने, जब भी अगर दो से ज्यादा है तो यार इस साइड में देखना, इसका रेस्टू में क्या है, वन है तो वन से बड़ा अपने को नहीं जमेगा, वन है तो वन तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन है, डी रेस टू वन है, मतलब ये चलेगा। अब डी रेस टू टू है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अपन डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते क्योंकि बड़ा है ना वो। ठीक है, अब अपने को वन है तो ये क्यूब तो नहीं चलेगा, तो क्यूब को भी कैंसिल कर सकते, मतलब ये दो अपने को चलेंगे। ठीक है, तो अपन वापस लिख सकते डी फाइव डी अपॉन 12, ये ब्रैकेट क्लोज और एक्स रेस टू वन, अभी सॉरी इनवर्स। तो अब इसको अपन फॉर्मूला लगा सकते बाइनोमियल वाला, सॉरी थ्योरम लगा सकते अपन। अब इसको ये जैसे का वैसा लिख देना। अब थ्योरम लगाने के बाद क्या बोलते हैं थ्योरम में, फॉर्मूले में क्या है, वन इंटू वन, मतलब वन पहला जैसे का वैसा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये एक्स इंटू एक्स रहता है, ये एक्स इंटू वन करना पड़ता, मतलब फाइव डी इंटू फाइव डी अपॉन ट्वेल्व इंटू वन हो जाएगा, मतलब फाइव डी अपॉन ट्वेल्व जैसे का वैसा आएगा। अब अगर इस पे ज्यादा बड़ा नंबर होता तो इधर और लिखते थे अपन, स्क्वायर लिखते थे, उसका क्यूब लिखते थे, बट अभी है ही नहीं, इधर वन ही है तो उसका लिखने का काम नहीं। ये एक्स वन जैसे का वैसा रहेगा अभी, जिसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये रेस्ट टू एक्स अपॉन ट्वेल्व इंटू, ये अभी ये सॉल्व हो गया, इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो एक्स को मल्टीप्लाई करते वन से, एक्स वन से एक्स प्लस ये फाइव डी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपने को पता है वन है, तो फाइव इंटू वन क्या जाएगा, फाइव आ जाएगा अपॉन ट्वेल्व, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन आता है, इंटू वन रहता था इधर, बट फाइव इंटू वन फाइव रहता था, इसलिए वन लिखने का काम नहीं। ठीक है, इतना अपना सोल्यूशन आ गया, मतलब पी आई का आंसर आ गया। अब आप इसको इधर भी ले सकते, मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते, या फिर दोनों इक्वेशन में से देखो अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस माइनस ई रेस टू टू एक्स अपॉन ट्वेल्व कॉमन दिख रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे निकाला था आपने माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या निकाला था, अगर आपने ऐसा ऐसे भी कर सकते यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स है ना, इसको ब्रैकेट लगा सकते पहले तो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते थे प्लस, मतलब फिर क्या हो जाता था, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगाते थे तो क्या हो जाता था, बस इतना ही फॉर्मूला, इतना ही अपने को सॉल्व करना पड़ता था, ई रेस टू टू एक्स को लिखने का काम नहीं था। बट अभी अपन ने क्या किया, पूरा ई रेस टू टू एक्स को भी ले लिया दोनों साइड में। ठीक है, तो अगर अपन इधर ब्रैकेट लगा के इतने ही इसको सॉल्व करते तो ई रेस टू टू एक्स बाजू में रहता था। ठीक है, तो उसको कोई गलत नहीं हुआ अपना, वो भी सही है। अगर इसमें से अपने को निकालना ई रेस टू टू एक्स तो वैसे भी कर सकते, ई रेस टू टू एक्स निकाल लेना अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, अब माइनस के साथ निकाला, मतलब अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस वन रहेगा, अब सॉरी माइनस वन नहीं, माइनस के साथ निकाला मतलब माइनस माइनस, ये प्लस वन रहेगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई रेस टू, ये तो निकल गया, मतलब क्या रह गया, बस ये एक्स प्लस फाइव बाय ट्वेल्व रह गया। ठीक है, इतना रह गया इधर। ओके, बट या फिर इतना भी लिखा तो भी अपना पी आई का आंसर करेक्ट है, इतने में भी अपने को बराबर मार्क मिल जाएंगे, या फिर ऐसे सिंप्लीफाई करके भी रख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें से अपन ने माइनस ई रेस टू टू एक्स निकाल लिया बाजू में, इसलिए ऐसा आंसर आया। ठीक है, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करे, तो प्लस मल्टीप्लाई किया, मतलब प्लस जब प्लस से जब अपन ब्रैकेट खोलते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वही अगर माइनस से अगर ये ब्रैकेट खोलते थे इधर प्लस का माइनस हो जाता था। ठीक है, तो इतना डीप में जाने का काम नहीं था, फिर भी बता दिया मैंने। तो इट्स सॉल्यूशन क्या आएगा, इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, अब पी आई लिखते समय देखो आप क्या करोगे, ये माइनस या फिर इधर का माइनस, ये भी ये प्लस के बाजू में लिख देंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ना ये पूरे टर्म का है, पूरे टर्म का। ठीक है, तो वैसे आप उसको माइनस नहीं लिख सकते, तो कभी भी क्या करना, सी एफ के लिए अलग से ब्रैकेट बना देना, प्लस पी आई के लिए अलग से ब्रैकेट बना देना। ठीक है, या फिर आप अगर आपने इस प्लस को इस माइनस के बाजू में ये कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, सीधा सीधा ऐसे ब्रैकेट लगा देना, प्लस या ब्रैकेट लगा के पी आई लिख दे, इट्स सॉल्यूशन लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए अगर इस वीडियो में मैंने डाल दिया तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, जितना आता है सी एफ तक आपको आ जाएगा, सी एफ तक सॉल्व कर लो, पी आई का मैं बताऊंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला रहता है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, तो नहीं जान दो, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता फिर वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर है इसका। ठीक है, दो पेजेस तो खा ही लेना, तो दो पेजेस का कुछ नहीं करना अपने को, बट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो समझाते समझाते अगर मैंने फॉर्मूला बता दिया तो उसमें बराबर आ जाता, अगर अभी फॉर्मूला वगैरह बता दिया तो आपको समझेगा नहीं बराबर। ठीक है, तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन था, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अभी इसके बाद में और एक क्वेश्चन है, उसमें भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये दो क्वेश्चन में बात नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये करके देखना जितना था आपको, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।
ठीक है, चलो बाय बाय।